नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। कठुमर थाना क्षेत्र के ग्राम तसई में बुधवार रात्रि को अज्ञात बदमाशों ने कट्टे की नोक पर घर में अकेली रह रही एक वृद्ध के साथ मारपीट व धमका कर केवल आधे घंटे में 1.5 लाख रुपए नकद व 20 लाख रुपए के सोने व चांदी के जेवर लूट लिए। घटना से गांव में काफी सनसनी फैल गई और घटना के बाद वृद्ध डरी सहमी हुई है। सूचना मिलने पर कठुमर थाना प्रभारी सुरेंद्र शर्मा व सरपंच मुकेश सिंह चौहान मौके पर पहुंच गए और पीड़िता से घटना की जानकारी लेते हुए मौका मुआयना किया। तसई निवासी बीना गुप्ता पत्नी स्वर्गीय राधेलाल गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 14 दिसंबर की रात्रि को घर पर वह अकेली सो रही थी कि तीन नकाबपोश व्यक्ति छत से होते हुए मेरे कमरे में आए। उनमें से एक व्यक्ति ने मेरे सिर पर कट्टा लगा दिया और वह दो अन्य व्यक्तियों के पास भी चाकू नुमा हथियार थे। मुझे जान से मारने की धमकी देकर अलमारी की चाबी ले ली और ताला खोलकर एक बैग में रखे 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। इसके अलावा 3 जोड़ी चूड़ी, 3 चैन, 3 जोड़ी झुमकी, 9 अंगूठी, 2 मंगलसूत्र, 2 कंगन, 2 सोने की गिन्नी, 2 बड़ी चैन, 1 लॉकेट, 1 जोड़ी कान की चैन, 3 जोड़ी टॉप्स, 2 पात्र, ये सभी आभूषण सोने के हैं। और इसके अलावा 5 जोड़ी चांदी के पायजेब, 1 किलो 700 ग्राम चांदी की सिल्ली, 1 कौंधनी चांदी की लेकर। इनमें से कुछ सामान मेरे शरीर में से खींच खींच कर उतारे जिसके निशान मेरे शरीर में है और बदमाशों ने जाते समय मेरे हाथ पैर भी बांध दिए और जाते जाते रिपोर्ट दर्ज कराने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। जानकारी के अनुसार 65 वर्षीय वृद्ध बीना गुप्ता ने पति स्वर्गीय डॉक्टर राधेश्याम गुप्ता का मई 2021 में कोरोना के चलते निधन हो गया। इसके बाद पीड़ित गांव में अकेली रहती थी और गांव में घर के बाहर ही कपड़े की दुकान चलाती थी। बिक्री अच्छी होने के कारण लाखों रुपए नकदी भी रोज रहती थी। इसके अलावा पीड़िता को जेवर पहनने का शौक था और आए दिन नए नए आभूषण भी बनवा लेती थी और कुछ पुश्तैनी व बहुओं के गहने भी रखे थे। पीड़िता के 2 पुत्र हैं जो काफी समय से दिल्ली में रहकर व्यापार कर रहे हैं और समय समय पर आते जाते रहते हैं। घटना की सूचना मिलने पर दोनों बेटे व अन्य रिश्तेदार गांव पहुंच गए। घटना घटी है चोरी और लूटपाट की, जो लाखों रुपए के सोने के जेवर गए, लाखों रुपए की नकदी गए, तो इसमें आपका क्या कहना? इसमें मेरा यही कहना है कि ग्राम पंचायत तसई में और मेन गांव तसई के अंदर कुछ बदमाश किस्म के व्यक्ति काफी समय से सक्रिय हैं और नए नए लड़के भी, मतलब जिन परिवारों से थे वो भी नए नए लड़के भी सक्रिय हो गए। पहले उनके पूर्वज वगैरह थे तो नए नए लड़के भी सम्मिलित हैं। मेरे पास रात करीब 1:08 के आसपास फोन आया था बीना गुप्ता अपने तसई की, जिनको मैं भाभी जी भी कहता हूँ, उनका फोन आया कि ऐसे ऐसे भाई साहब मैं तो लुट गई और सारे जेवरात पैसे वैसे नकदी सब ले गए, मुश्किल से मेरे को छोड़ के गए हैं, बंदूक की नोक पर हाथ पांव बांध दिए, चोट वोट भी आई हुई है सारी उनके। लेकिन मैं इसमें कहना चाहूंगा जो ये सक्रिय गिरोह है काफी समय से चल रहा है, आए दिन क्षेत्र में चाहे खेड़ली से हो, नदवई नगर तक की बातें हो या और भी दूरी की बातें हो, आसपास से मोटरसाइकिलें रोजाना या वाहन के रूप में 4-व्हीलर कोई भी हो, ट्रैक्टर हो, चोरी के रूप में भैंस हो, चाहे मतलब अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार की जो चोरी है वो सबको ये गिरोह मतलब करते आ रहे हैं। ज्यादातर तसई में ये सामान लेके आते हैं, इसकी फिर फिरौती होती है बाकायदा, लेकिन ये काफी समय से सक्रिय चला आ रहा है। और रात जो घटना हुई उसके मामले में मेरे को इन्होंने फोन किया बीना गुप्ता जी ने, मैंने कहा मेरी भाभी जी क्या बात है रात को, इन्होंने कहा कि ऐसे 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 बात है, ये तो मैं तो लुट गई, सारे मेरे सामान ले गए, बांध के पटक गए।
फिर मैंने कहा मैंने पुलिस को मैं सूचना करूं, तो इन्होंने कहा कि पुलिस को मैंने सूचना कर दी है, पुलिस वाले भी आ गए हैं। तो ये बात हुई, मेरा तो मेरी ओर से यही कहना है आपके माध्यम से भी कि जो भी चोर हैं, जो भी बदमाश गिरोह हैं, उनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। मेरी प्रशासन से अपील है, निवेदन है पुलिस प्रशासन से और अन्य जो प्रशासन है सिविल, उनसे भी मेरा निवेदन है, सभी मिलकर के इन जो मतलब उपद्रव कर रखा है और जिन लोगों ने सरेआम कट्टे की नोक पर, बंदूक की नोक पर और अकेली विधवा महिला, क्या क्या सामान चोरी हुआ आपका? गले की चैन, 800 अंगूठी थी मेरी, बहुओं की थी, कुछ मेरी थी, बहुओं के सेट थे गले के, चांदी की 600 जोड़ी पायल थी, एकड़ कड़े थे, किसी के रखे थे मेरे पास, ऐसे सामान, बहुत सारा सामान था। कितनी नकदी चोरी हुई? नकदी थे 2-2.5 लाख के करीब थे। अच्छा, इतनी रकम और इतने जेवरात आपने क्यों रखा घर पे? घर पे इसलिए, बहु बेटी आती तो कभी जाती आती, पहनने के लिए चाहिए थे उनको, शादी ब्याह में साड़ी में सोख आई थी अवेलेबल, शादी में गई थी पहन के गई थी, मैंने घर में रख रखा, तब लोग रखने जाती जा नहीं पाई, तो बस कांड ही हो गया सारा। ठीक।